अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ मैं आज आपसे अपनी संडे रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ मुझे कपड़े वॉश करने थे, तो मैंने सुबह ही मशीन लगा ली थी। बच्चों का यूनिफॉर्म था, बच्चों को कल स्कूल भी जाना था, तो मैंने यहाँ ड्राई क्लीन करके कपड़े मैंने बेड पर ही फैला दिए ताकि ये सूख जाए। और आज संडे था तो बच्चे लेट उठे थे। और यहाँ सब नाश्ते से फारिग हो चुके थे। उसके बाद मैंने बर्तन वॉश किए क्योंकि मुझे आज किचन भी साफ़ करना था। संडे था, सारा जो वीक है हमारा बिज़ी गुजरता है, तो मैंने फिर यहाँ किचन को साफ़ किया। काफ़ी ऑयली हो रहा था किचन, चूल्हे वगैरह तो रोज़ ही साफ़ होते हैं, लेकिन आज मैंने इसको मैक्स बार से किया क्योंकि चमक गया था। उसके बाद मैंने कैबिनेट वगैरह साफ़ किए वन बाय वन। किचन में तो आपका 24 आवर्स का काम होता है, तो जाहिर सी बात है उतने हाथ वगैरह लग के कैबिनेट भी ख़राब हो जाते हैं, उस पर निशान वगैरह हो जाते हैं, तो आपको ये साथ साथ साफ़ कर लेना चाहिए। और ये मैंने जो टर्बो है, चिमनी जिसे कहते हैं, मैं तो इसे चिमनी कहती हूँ, आप पता नहीं क्या कहते हैं, तो इसको भी मैंने 4-5 मंथ पहले इसको मैं इसकी सर्विस करवाई थी, तो अब इसको मैं साफ़ कर रही थी। ये ओपन हो गया था, इसको मैंने बंद कर दिया। किचन की सफाई बहुत दिल से की जाती है और मैं इसको बहुत दिल से ही करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है इसमें मुझे किचन में कॉकरोच बिल्कुल नहीं पसंद के किचन में कोई कॉकरोच नज़र आए तो मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ, उसको मुझे मार के छोड़ना होता है। और यहाँ मैंने फर्श वगैरह धोया सर्फ से, ये काफ़ी गंदा हो चुका था और आपको नज़र आ रहा होगा किचन कितना साफ हो गया है, कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके किचन में भी कॉकरोच हैं, क्योंकि जब बारिशें हुई थी तो उस वक्त बहुत ज़्यादा किचन में कॉकरोच हो गए थे और मुझे बहुत परेशान हो गई थी मैं, मतलब मेरी नींद ही उड़ गई थी और मुझे सोना जो मुहाल हो गया था मेरा। और पता नहीं मैंने किस तरह किचन को साफ़ रखा है, इतनी स्प्रे वगैरह की है, उसके बाद जो किचन मेरा साफ़ हुआ है। और यहाँ मुझे याद आया कि मुझे अपना फ्रिज भी साफ़ करना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने फ्रिज को खोला था बिल्कुल साफ़ था, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम रख देते हैं फ्रिज में, बस जो भी बची खुची चीज़ें होती हैं हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, तो आज ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ दही रखी हुई थी तो मैंने वो भी निकाल दी और फ्रिज मेरा बिल्कुल साफ़ था। और फिर मैं आई रूम में और मैंने रूम में झाड़ू लगाया। फिलहाल मैंने एक ही रूम भी साफ़ किया था क्योंकि हिम्मत जवाब दे चुकी थी और मैं बहुत थक गई थी। आज संडे था तो बच्चे जो है वो लूडो खेल रहे थे, आज संडे एंजॉय कर रहे थे और ये कह रहे थे मम्मा आप भी हमारे साथ आए, लेकिन मुझे खाना भी बनाना था, दोपहर में लंच भी रेडी करना था। और यहाँ जो मेरा बेटा है वो हाँ वो विनर था, तो वो बहुत खुशी में बहुत हैप्पी था। और जनाब इसके बाद फिर मैं किचन में आ गई और मैंने यहाँ आज दाल चावल बनाए बच्चों की फरमाइश पे। प्लान तो मेरा आज ग्रॉसरी का भी था, लेकिन संडे था तो सोचा आज ये जो मैं कल करूँगी शॉपिंग और ग्रॉसरी वगैरह के लिए कल का प्लान रख लिया मैंने। यहाँ मेरे चावल बॉयल हो रहे थे, आज मैं जीरे वाले चावल नहीं बनाए थे। और यहाँ चावल तकरीबन बॉईल हो ही चुके थे और आज मैंने मूंग और मसूर की दाल मिक्स बनाई थी, बहुत मज़े की बनती है ये।
और यहाँ मेरे चावल बिल्कुल रेडी हो गए थे और मैंने साथ में प्याज लेमन डाला हुआ था। सिंपली यही बहुत अच्छा लग रहा था। और शाम में यहाँ 6 बज रहे थे तकरीबन, बच्चों ने जिद करनी शुरू कर दी कि मम्मा पार्क चलें, क्योंकि आज संडे है और तो बच्चों की जिद पे मुझे यहाँ पार्क आना पड़ा। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके बावजूद मैं बच्चों को लेकर यहाँ पार्क आई और यहाँ पर इतना अच्छा फील हो रहा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। एक यहाँ पे इतने प्लांट्स इतने अच्छे थे, यहाँ ग्रीनरी देख के इतनी फ्रेशनेस फील हो रही थी कि मेरा यहाँ बिल्कुल भी मूड नहीं जा रहा था कि मैं घर वापस जाऊँ। और बच्चे तो यहाँ कंट्रोल हो नहीं रहे थे, बच्चे यहाँ फुटबॉल खेलने लग गए और कुछ लेडीज़ थी जो वॉक भी कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर, एकदम तबीयत मेरी सेट सी हो गई। और यहाँ पे मैं आप सबसे एक बात करना चाहूँगी और सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो सब्सक्राइबर हैं और जो अनसब्सक्राइबर भी हैं, जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी। और यहाँ तकरीबन मगरिब का टाइम हो चुका था और मैं बच्चों को यही कह रही थी कि बस अब घर चलें, बहुत हो चुका, मेरे सुबह आपका स्कूल भी है। और यहाँ मेरी बड़ी ने इंग्लिश सॉन्ग जो है वो भी मुझसे शेयर किया, तो वही मैं आपको सुनाऊँगी। Like from a brain sick.